नमस्कार दोस्तों, सभी भाई बहनों को राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सब दोस्तों? तो दोस्तों, सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और चाय नाश्ता सबका हो चुका है। अभी मैं खाना बना रही हूँ। आप लोग समझ सकते हैं, गांव में खाना सब लोग जल्दी खा लेते हैं। 12 बजे तक मैं सबको लंच करवा देती हूँ। तो दाल चावल हमने बना लिया है दोस्तों, और आज मैं बनाऊँगी सरपुतिया की सब्जी, दाल चावल रोटी और सब्जी, और सब्जी बनाऊंगी सरपुतिया की। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दोस्तों, इस समय 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर काम पड़ रहा है, जो मैंने आप लोगों को धीरे धीरे करके वीडियो में दिखाया। मैंने पूरा घर अपना अच्छे से क्लीन कर लिया, मतलब साफ कर लिया। और टाइल्स लगी होती है ना, तो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो धीरे 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 करके मैंने 2-3 दिन में सारा सफाई कर लिया है घर का। और बहुत अच्छा लगता है जब पूरा घर साफ साफ हो जाता है, क्लीन क्लीन। और आज मैंने ये सब पूरा किचन अपना साफ किया। ये सब आप जो देख रहे हैं, सब मैंने पूरा टाइल्स साफ किया है। और वहाँ आंगन में वो सब जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, वो सब एरिया भी मैंने साफ किया। और सुबह से इतना सारा काम हो जाता है दोस्तों कि मन जो है ऊब जाता है काम करते करते। ऐसा लगता है कि आप काम ना करना पड़े तो बहुत अच्छा है। तो है दोस्तों, लेकिन इस चीज़ों से हमें छुटकारा नहीं मिल सकती है। लेकिन क्या करें, इसी का नाम जिंदगी ही, काम करते रहना है। अगर काम नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? तो होता है, एक औरत का जीवन ऐसे ही चलता है, मैं जहाँ तक मानती हूँ। जैसे हमारी जैसी हाउसवाइफ हैं जो घर में, जिनकी मतलब घर में कोई काम करने वाला होता होगा तो थोड़ा बहुत तो आराम मिल जाता होगा। लेकिन हमारे घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है। मैं अकेली ही हूँ कि पूरा घर संभालती हूँ। तो आप लोग समझिएगा कितना काम करती हूँ। तो उसके लिए आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए, घर का सारा काम करते हुए भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उससे मेरा थोड़ा सा मनोबल कभी कभी घट जाता है। तो आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए, और अच्छे अच्छे अपना सुझाव भी दीजिए कि मैं वीडियो में क्या लाऊँ क्या ना लाऊँ। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं हमें। तो बस यही कहना चाहती हूँ। और जिन भाई बहन मुझे इतना प्यार और सहयोग दे रहे हैं, उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, इतना प्यारा प्यारा सुझाव देते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस बहन को ऐसे ही प्यार और सहयोग देते रहिए। और स्टार्ट करते हैं, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो पहले मैं सरपुतिया आप लोगों को दिखा दूं। कोई कोई सरपुतिया नहीं जानता है दोस्तों। तो ये सरपुतिया है, ये ऐसे ही छोटे छोटे होते हैं। इसी तरीके से तरोई भी आता है, जो तुरई भी बोलते हैं। इसी तरीके से नेनुआ भी आता है, लेकिन ये नेनुआ ना है, ना सरपुती ना तरोई है, ये सरपुतिया है। गांव में ये सब्जी बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। दाल चावल रोटी सब्जी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाली सब्जी रोटी से खाइए या दाल चावल के साथ खाइए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों के यहाँ मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरी बहन एक मुंबई में रहती है, तो वहाँ पे सरपुतिया नहीं मिलता है। उसको बहुत ज़्यादा ये सब्जी पसंद है, और वो बोलती है, दीदी सब सब्जियाँ मिलती हैं लेकिन सरपुतिया नहीं मिलती है। तो जब वो गांव आती है ना, तो जब सीजन रहता है सरपुतिया का, तो वो सरपुतिया मंगाकर ज़रूर खाती है। ये सरपुतिया देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। तो चलिए अब सब्जी काट लेते हैं और छौंकते हैं। आटा भी निकाल लिया है, आटा लगा लेते हैं। पहले हम सब्जी काट करके छौंक देते हैं, फिर आटा लगाते हैं दोस्तों। तो सरपुतिया को हमने 2-3 बार धुल लिया है दोस्तों, और इसको हम काट लेते हैं। तो दोस्तों, सरपुतिया आप 2 तरीके से काट सकते हैं। एक तरीका जो मैं काट रही हूँ, एक तरीका इस तरीके से आप लोग काट सकते हैं, और एक तरीके इस तरीके से आप लोग काट सकते हैं, इस तरीके से, या फिर इसमें 2 कर लीजिए और इस तरीके से भी काट सकते हैं। तो मैं लंबे लंबे टुकड़े में काट रही हूँ दोस्तों, इस तरीके से। आपका अपना मर्जी हो जिस तरीके से आप काटिए।
दोनों तरीके से इजी है दोस्तों। इसे अंग्रेजी में कौन सा सब्जी बोलते हैं मुझे पता नहीं है दोस्तों, नहीं तो मैं आप लोगों को जरूर बताती। काट लिया है, अब हम आटा लगा लेते हैं, फिर गैस को जलाते हैं, बर्तन निकाल लेते हैं, आटा हमें ज्यादा लग रहा है। हो रही है और इसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल। तेल को हमें गरम कर लेना है और ये देखिए इसमें हरी मिर्च है, लहसुन की कुछ कलियां हैं जो मैंने छील करके काट लिया है, दो कर लिया है, और मेथी है। तो इन्हीं से हमें छौंक लगाना है दोस्तों, और इसमें हम कुछ भी कोई भी मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि ये सब्जी हम ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही सबको पसंद भी आती है हमारे घर में। तो तेल हमारी गर्म हो चुकी है दोस्तों, अब हम मिर्चा लहसुन और मेथी को डाल देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये ब्राउन हो चुकी है, अब हम सब्जी को डाल देते हैं। और सब्जी को चला लेते हैं, इसको ढक देते हैं, थोड़ी देर इसको हम गलने देते हैं, फिर नमक डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस साइड हम कढ़ाई रख देते हैं और इस साइड हम रोटी बना लेते हैं और इसमें हम नमक डाल देते हैं। इसमें थोड़ा ही नमक डालिएगा क्योंकि ये सब्जी गलता है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करिए, और कोई भी सुझाव हो तो आप लोग हमें बेझिझक बताया करिए, और कोई रेसिपी का वीडियो चाहिए हो तो वो भी बताया करिए, है ना दोस्तों। तो बनाती हूँ और इस समय मैं गैस नीचे ही रखकर बना रही हूँ क्योंकि हमारा इस समय थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है दोस्तों, कमर उमर में ज़्यादा दर्द होने लगता है खड़े होकर खाना बनाने में, तो नीचे रख लेती हूँ गैस, आराम रहता है। हमारे भाई बहन हैं दोस्तों जो इस समय कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे इंतजार रहता है। जैसे इस समय हमारी एक सिस्टर थी शकुंतला साहनी, वो भी नहीं कर रही हैं, एक है माधवी घोलकर ये भी नहीं कर रही हैं, प्रीति कुमारी जी हैं ये भी नहीं कर रही हैं, और ऐसे दो चार लोग और हैं दोस्तों जो मुझसे जुड़े थे बहुत पहले से और हमारे हर एक वीडियो पर उनका कमेंट आता था, लेकिन इस समय हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो या कोई दिक्कत हो तो लोग कमेंट ना करते हों, तो इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ, यही मुझे टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं वो लोग क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं, तो यही वजह है दोस्तों मुझे आप लोगों की टेंशन लगी रहती है। आप लोग तो हमें देखते हैं लेकिन हम आप लोगों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन कमेंट के जरिए से हम आप लोगों से जुड़े हैं, तो बस यही बातें हैं। तो हमें थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए कि हाँ आप लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं, और जितने भाई बहन कमेंट करते हैं उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया बोल दूंगी क्योंकि आप लोग का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके, और हौसला भी मिलता है कि अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी।
तो किसी दिन मैं सबका नाम जरूर अपने वीडियो में लूंगी दोस्तों। और सकते हैं दोस्तों, सब्जी हमारा सूख चुका है, इसका पानी, अभी इसका पानी हम और सुखवाएंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे सब्जी ये हमें पसंद नहीं है। जितना ये सूखा बनेगा उतना ही ये अच्छा सा चुरचुरा सा ये सब्जी बनेगा। देख सकते हैं अभी इसमें पानी है, तो बहुत लोग ऐसे ही ये सब्जी बनाते हैं थोड़ा गीला गीला करके, लेकिन हमें ये इस तरीके से हम लोगों को पसंद है। एकदम से ये ब्राउन हो चुकी है दोस्तों, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं।